आज हम हरदोई के ऐतिहासिक स्थलों में एक छोटे से शहर पिहानी का जिक्र करेंगे। ये है नवाब रौजा सदर पिहानी का गेट, जो पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर दिया है। अंदर जाने पर ये ऊबड़ खाबड़ मैदान पड़ा है। कहते हैं यहाँ कभी नवाब का किला था। कुछ मजारे हैं। ये सामने रौजा सदर का मकबरा है। 16वीं सदी की इस खूबसूरत इमारत में रौजा सदर की मजार के अलावा उनके भाई की मजार भी है। इसके खंभों पर चित्रकारी देखते ही बनती है। गुंबदों को निहारने से उस काल की सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शायद किले की खंडहर दीवार है। इसके ठीक पीछे एक बड़ा तालाब है। पुरातत्व विभाग ने इस तालाब को भी संरक्षित किया है और सामने खंडित गुंबद की मरम्मत भी शुरू करा दी गई है। कहते हैं ब्रिटिश काल में अंग्रेज पर्यटक यहां आते थे। सवाल है कौन थे रौजा सदर? आइए पिहानी से प्रमुख पत्रकार श्री अतुल कपूर से जानने की कोशिश करते हैं। रौजा सदरे जहां एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है पिहानी की, जो इसके अतीत का गौरवशाली इतिहास अपने आंचल में समेटे हुए है। इसी के बिल्कुल पास में नवाब का तालाब इसके सौंदर्य में चार चांद लगाता है। तत्कालीन सदरे जहां का दिल्ली दरबार में बड़ा रुतबा था। उनके भाई बदर जहां भी दिल्ली दरबार से संबद्ध थे। इस ऐतिहासिक इमारत में सदर जहां और बदर जहां की मजार बनी हुई है। इसका वास्तुशिल्प और इस पर लाल पाषाण में उत्कीर्ण चित्रावली तत्कालीन शिल्पकला की एक अनुपम धरोहर है। यह इस समय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसके सौंदर्यीकरण की योजना भी बनाई गई है। अभी हाल में ही पुरातत्व विभाग ने इस पुरानी इमारत का जीर्णोद्धार किया। पिहानी यानी पिहानी मतलब छिपने का स्थान। ये जंगलों से भरा क्षेत्र था। बात सन 1540 की है, जब बैटल ऑफ कन्नौज के दौरान युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं शेरशाह से परास्त हो गया। परंतु कन्नौज के काजी सैयद अब्दुल गफूर ने शेर शाह को अपना बादशाह नहीं माना। वे कन्नौज छोड़कर गंगा पार हरदोई जिले की सीमा में आ गए और पिहानी के जंगलों में छिप गए। सन 1555 में जब हुमायूं दोबारा दिल्ली सल्तनत के स्वामी बने, तो सैयद अब्दुल गफूर को उनकी स्वामी भक्ति के फलस्वरूप पसगांव और पंडरवा के पांच गांव 5000 बीघा के जंगल जहां पर उन्होंने शरण ली थी इनाम में दे दिए। इसी कारण इस स्थान का नाम पिहानी अर्थात पिहानी पड़ा। पिहानी शब्द का अर्थ है छिपने का स्थान। अब्दुल गफूर के अनुज सैयद अब्दुल मुक्तदी थे। उनके पुत्र गफूर आलम शिक्षा के लिए दिल्ली गए। आगे चलकर इन्हें सदरे जहां की उपाधि मिली और ये युवराज सलीम के शिक्षक बने। मुगल दरबार में अकबर के समय इनका बहुत सम्मान था। इनको दिल्ली साम्राज्य का मुख्य मुफ्ती चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। ये समय पिहानी का स्वर्णिम युग था। दिल्ली दरबार में पिहानी की हनक थी। दिल्ली दरबार की पिहानी पर मेहरबानी की गवाह है ऐतिहासिक इमारत रौजा सदर। पिहानी को बहिश्ते अवध यानी अवध का स्वर्ग कहा जाता था। इन दिनों पुरातत्व विभाग द्वारा रौजा सदर व पास में एक तालाब को संरक्षित इमारत का दर्जा दिया गया है। इसका जीर्णोद्धार प्रारंभ किया जा रहा है।